हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू लिंग वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है इस नए ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और मैं उठा था करीबन 8:30 बजे। तो अभी उठ के सिर्फ फ्रेश होने चला गया था, तो अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट जब तक रेडी होता तब मैं वीडियो एडिट कर लूँगा, या तो कॉफी के साथ मस्ती कर लेंगे, क्योंकि सुबह के बाद ही अपना दिन स्टार्ट होता है। तो जाएंगे और वीडियो भी एडिट हो जाएगी, तो अभी जाएंगे। अभी मेरा ब्रेकफास्ट रेडी भी हो रहा है, एंड गलती से मुझे ऐसा लगा कि आज हमारी मैच है, लेकिन आज नहीं है। तो हमारी मैच कल है थर्सडे को, तो थोड़ा वो भी क्लियर हो गया है। और जाएंगे भी वीडियो एडिट करने, ब्रेकफास्ट करने और वीडियो एडिट करने। तो मिलते हैं सीधा वीडियो एडिट करने के बाद। ब्रेकफास्ट करके और मेरी वीडियो भी एडिट हो चुकी है, क्योंकि गबू सो रहा था और तब तक मैं मेरी वीडियो एडिट कर लिया था। अब सिर्फ अपलोड करना बाकी है। अब अभी गबरू जब उठेगा तो उसको ब्रेकफास्ट कराऊंगा, उसके बाद थोड़ी देर मस्ती करेंगे। और आज कल कुछ ज़्यादा प्लान है नहीं, तो सोच रहा हूँ कि मैं सीरीज वीरीज देख लूँगा और मैच तो हमारी कल है। तो चलिए जाते हैं। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 1 और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि आज भी हमारा बाहर का ही है, मतलब बंदोरा जैसे रखा हुआ है। तो हम सब अभी भाई बहन वहीं पर जाएंगे खाना खाने के लिए, और वीडियो अपलोड करनी बाकी है, सिर्फ एडिट हुई है, अभी आके अपलोड कर दूँगा। तो अभी जाते हैं और खाना खाते के लिए भूख भी लगी है, तो मिलते सीधा खाना खाने के बाद। आ गया मैं वापस खाना खा के, और अभी जाएंगे। इतनी धूप से आए तो थोड़ा जी घबरा रहा है, क्योंकि सब कुछ थोड़ा तेल वेल का भी था। तो अभी जाते रेस्ट वेस्ट करते, और अभी शायद मैं सो जाऊँ, क्योंकि सुबह 5 बजे पहले जल्दी है। तो चले जाते, मिलते सीधा। सो गाइस, ये देखिए बॉल ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ चढ़ गया ये, और बॉल मैंने रखा है यही इसके अंदर, देखना कैसा करेगा। यहाँ पे बॉल रखा, कूदेगा ये वापिस रख दिया। तो मैं आ गया हूँ छोटा सा नैप लेके, और पता नहीं मैं कैसे सो गया था, क्योंकि मैं मतलब एसी वाले रूम में बैठा था और वीडियोस देखते देखते कब मुझे नींद आ गई पता नहीं चला, और मेरे बाजू में गबरू सो रहा था। तो जस्ट अभी मैं उठा रहा अभी कितना 5 बजे तक, वो भी सब चूचा चूचा हो रहे थे इसके लिए, वरना तो पता नहीं कब उठता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब अभी मैं फ्रेश होऊंगा, फिर जाएंगे हम लोग हमारे कपड़े लेने, क्योंकि हमारे कपड़े आ चुके हैं, और थोड़ा जब्बे भी लेने जाने के, तो वो भी लेते आएंगे। और अभी भूख भी लगी, तो वो भी खाएंगे, सब कुछ काम कम्प्लीट करेंगे। तो अभी जाते हैं लेने के लिए, तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। तो चलिए जाते हैं, और हम तीनों मतलब साथ में निकलते तो भी एक बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि अभी मेरा भाई गबरू को बोल दिया कि हम लोग जा रहे, तो सीधा भागते भागते आ गया था और वापस जा ही नहीं रहा था। फिर उसको कैसे भी करके अभी रूम में मतलब मम्मी के पास छोड़ के आए। अभी जाते हैं, और अभी मेरे भाई लोग भी आ रहे, तो सब काम कम्प्लीट करके आएंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं रहा, हम लोग जल्दी हम लोग जाने वाले राजस्थान। तो चलिए जाते हैं हमें हमारे कपड़े लेने के लिए। शॉपिंग हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे जब्बे लेने के लिए। तो जाते हुए मेरे अंकल लोग भी आ ही रहे, और रास्ते में ही है, और हमारी गाड़ी पता नहीं कहाँ है। चलो मिलते सीधे कपड़े लेने के बाद। तो अभी जस्ट मैं घर आया हूँ, और अभी मेरा ब्लॉग भी आ गया है,
जाके चेक कर लेना। मैं भी आ गया हूँ। सो गाइस यार मैं भी आ गया हूँ घर पे। सो गाइस बाय। देख लो ये जो शर्माते हुए धीरे धीरे मेरे कैमरे में आने लगे, मतलब मेरे ब्लॉग में। अभी जाएंगे और अभी भी मतलब खाना खाने के लिए बाहर जाने के, तो वो जाके आएंगे क्योंकि फिर थोड़ा लेट हो जाएगा। और ऑलरेडी हम लोग मतलब 8 बज चुके हैं और अभी घबरू का भी खाना रेडी होने वाला है, मतलब शायद तक हो गया होगा। अभी तक मैं घर में गया नहीं, तो जाते हैं सब कुछ काम कम्प्लीट करते फिर फ्री होके अपना डेली ब्लॉग्स देखेंगे। एंड कपड़े भी आ गए, मतलब हम लोग वो कपड़े लेके आए जो हमारे मामा मतलब हमको देंगे, क्योंकि मामा लोग ने हमको बोला कि तुम तुम्हारी पसंद से ले आना, तो हम लेके आए। तो अभी जाएंगे खाना ना खाएंगे एंड और तो क्या। और अभी घबरू भी जैसे हम लोग गेट में आए तो घबरू को पता चल गया तो सीधा नीचे हमको गेट तक आ गया लेने के लिए। ये भी थोड़ी उसके साथ थोड़ी मस्ती करेंगे क्योंकि उसको हम लोग छोड़ के गए तो थोड़ा गुस्सा मतलब थोड़ा वो हो गया होगा, मतलब कि मेरे को लेके नहीं गए। तो पहले उसके साथ थोड़ी मस्ती करेंगे एंड देन फिर जाएंगे खाना खाने के लिए। घर खाना खा के और मैं खाना खा के मतलब सबके घर बोलने चला गया था कि आज हमारे यहाँ पे सब डीजे वाला होता है, हमारा बोलने का होता है, तो मैं वहाँ बोलने चला गया था। और आके भी जस्ट मैं अंकल लोग के साथ बैठा हूँ क्योंकि कल मैच है, उसका कोई डिस्कशन चल रहा है। और आज मतलब थोड़ा बहुत बिजी डे चला गया था तो अभी तक मैंने ब्लॉग भी नहीं देखा और चाहता है मतलब वीडियो भी आ गई होगी, मैंने वीडियो का भी कुछ नहीं देखा। तो अभी जाते हैं अंकल लोग के साथ बैठते और उनके थोड़ा टाइम स्पेंड करते एंड मैच कुछ भी देखेंगे। कल तो कैसे दिखा कि जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि मैच है और शायद हमारा 10 बजे राउंड है, सेकेंड राउंड है। और टूर्नामेंट तो सिर्फ 1 बजे पच जाएगी, मतलब छोटी टूर्नामेंट 4 टीम के बीच में डायरेक्ट सेमीफाइनल और फाइनल। तो जाएंगे और आज हम लोग कपड़े भी नहीं लेके आए थे, सिर्फ मतलब जो मेरे मामा देंगे वही लेके आए थे हमारे जो शादी के कपड़े, वो बाकी हम लोग जाएंगे भी कल या तो परसों। चलिए जाते हैं अंकल लोग थोड़ा बैठते क्योंकि बहुत दिनों के बाद अंकल लोग आए। तो टाइम हो रहा है 11:30 और अभी जस्ट मैं फ्री हो गया आया हूँ क्योंकि आज थोड़ा नाच कूद चल रहा था और मेरे अंकल लोग के साथ मैं बैठा था और अभी मैं आया हूँ। जैसे अभी मैच देखा, मैं लास्ट ओवर में मैच देख रहा था तो भाई कहाँ से मैच कहाँ ले आया रशीद खान और टेवटिया हारी मैच को, वो लोग सनराइजर के हाथ से ले गए। 3 बॉल में 9 रन मारने के थे तो वो लोग 2 6 मार के पूरी मैच ही पलट दी, भाई उधर तो हो गई क्वालिफाई। और अभी यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है, बहुत ख़राब हुआ है, क्योंकि मैं आपको शायद तक अभी तो सब चले गए, मैं चाहता था मेरा फोन अंदर था इसके में कुछ दिखाया नहीं। अभी तो थोड़ी पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई थी यहाँ तो अभी सब धीरे धीरे सब चले गए। और अभी जाते मैच का भी थोड़ा देखेंगे, मैं सोच रहा हूँ हाईलाइट और एक बार देखूँ क्योंकि मैंने पूरी मैच देखी नहीं। तो जाएंगे और थोड़ा अभी ब्लॉग्स भी नहीं देखे तो वो भी देखेंगे एंड जाए तो जल्दी सो जाऊँगा, कल मैच भी है। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में आपका बेस्ट पार्ट जरूर बताना। मिलते हैं कल, आज के लिए गुड नाइट।